नमस्कार, घर का शेफ रामार्चना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया पकौड़ी बनाएंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने देखिए यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, 1 कप गेहूं का आटा है। इसमें हम ढेर सारा प्याज डालेंगे। प्याज मैंने लंबे लंबे और पतले टुकड़े में काट लिया है। ये देखिए, ये 4 प्याज मैंने लिया है बड़े साइज का, तो इसमें प्याज बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम ज़्यादा प्याज डालेंगे इसमें। और थोड़ी सी धनिया पत्ती छोटे टुकड़े में कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, बहुत ही छोटा चम्मच है ये, लाल मिर्च पाउडर, तीखा आपको जैसा खाना है उसके अनुसार ले लीजिए, और नमक ले लीजिए अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में कटी हुई, थोड़ा सा आलू छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, आलू ऑप्शनल है लेकिन इसमें बहुत अच्छा लगता है आलू, तो आप भी डालिएगा। अब हम हाथ से इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे। प्याज को हम अच्छी तरीके से ऐसे आटे में मिलाएंगे, और क्योंकि ये पानी छोड़ता है प्याज, तो प्याज को पहले मिला लेंगे फिर हम पानी डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका ऐसे गोल तैयार करेंगे जैसे पकौड़ी का रहता है। इसमें हम और पानी डालेंगे। इतना ही गीला चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं चाहिए। ये देखिए ऐसे है ये, तो अब ये तैयार है। अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे गरम होने के लिए। देखिए ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, तो हम 1 बाउल में ऐसे पानी लेंगे और इसमें हाथ ऐसे उंगलियां अच्छे से डिप कर लेंगे ताकि इसमें ये घोल चिपके नहीं। तो अब हम पकौड़ी का घोल ऐसे लेके और इसमें डालेंगे, ऐसे थोड़ा सा फैलाते हुए डालेंगे ताकि ये फैल के तब इसमें गिरे, तो अच्छे से क्रिस्पी होगा ये। एक साथ ये इकट्ठा करके हम नहीं डालेंगे। गैस फ्लेम हम मीडियम टू हाई पे बनाएंगे, इसको लो पे नहीं बनाएंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो हम इसको पलट देंगे। क्रिस्पी करके दोनों साइड से इसका कलर चेंज हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, फिर हम इसको निकालेंगे। क्रिस्पी हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे ऐसे। और बाकी का बचा हुआ भी हम ऐसे ही बना लेंगे इसी तरह। देखिए पकौड़ी बनके तैयार है। मैंने इसमें सिर्फ गेहूं का आटा मिलाया है और ये बहुत ही बढ़िया बनी है, और बहुत ही खस्ता भी है, बहुत क्रिस्पी भी है। आप ज़रूर बनाइएगा और बरसात के मौसम में अपने मनपसंद चटनी और चाय के साथ एंजॉय करिए, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये गेहूं के आटे से बनी पकौड़ी की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।